हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग चिपको मूवमेंट के बारे में देखेंगे। चिपको मूवमेंट कब हुआ था, क्यों हुआ था और इसमें किन किन लोगों ने हिस्सा लिया था, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ गले लगाने का आंदोलन। भारत में वन संरक्षण आंदोलन है वाणिज्य कटाई और वनों की कटाई पर सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए। 1970 के दशक में प्रदर्शनकारियों ने पेड़ों को गले लगाने का काम किया, पेड़ों को अपनी बाहों में लपेट लिया ताकि उन्हें काटा ना जा सके। आज आप अपनी इको सोशलिस्ट प्रतिष्ठा से परे इस आंदोलन को तेजी से एक इको फेमिनिस्ट के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इसके कई नेता पुरुष थे, लेकिन महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भागीदारी थी, क्योंकि वो बड़े पैमाने पर वनों को कटाई से बहुत अधिक प्रभावित थी, जिसके कारण जलाऊ लकड़ी और चारे के साथ पीने और सिंचाई के लिए पानी की कमी हो गई थी। वर्षों से वे चिपको आंदोलन के तहत होने वाले अधिकांश वनीकरण कार्यों में प्राथमिक हितधारक भी बन गए। 1987 में चिपको आंदोलन को भारत के प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण, बहाली और पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ उपयोग के प्रति समर्पण के लिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। पृष्ठभूमि की बात करें तो कर्ण सिंह और ज्योति कुमारी आंदोलन से प्रेरित होकर वर्ष 1964 में चमोली गुप्तेश्वर में गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा दसोली ग्राम स्वराज ग्राम स्वशासन के दसोली सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जंगल के संसाधनों का उपयोग करके छोटे उद्योग स्थापित करना था। उनका पहला प्रोजेक्ट स्थानीय उपयोग के लिए कृषि उपकरण बनाने वाली एक छोटी कार्यशाला थी। बाद में उसका नाम 1980 के दशक में मूल दसौली ग्राम स्वराज से बदलकर DGSM कर दिया गया। यहाँ उन्हें प्रतिबंधात्मक वन नीतियों का सामना करना पड़ा, जो औपनिवेशिक युग की एक खुमारी अभी भी प्रचलित है। साथ ही ठेकेदार प्रणाली का भी सामना करना पड़ा, जिसमें जंगल की इन जमीनों को बड़े ठेकेदार को नीलाम कर दिया जाता था, जो आमतौर पर मैदानी इलाकों में होते थे, जो अपने कुशल और अर्ध कुशल मजदूरों को साथ लाते थे, जिसे पहाड़ी लोगों के लिए केवल पत्थर ढोने जैसे छोटे मोटे काम रह जाते थे और उन्हें कुछ भी भुगतान नहीं किया जाता था। दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्रों से बाहर से अधिक लोगों का आना देखा गया, जिसमें पहले से ही तनावपूर्ण परिस्थिति संतुलन को बिगाड़ दिया। बढ़ती कठिनाइयों के कारण गढ़वाल हिमालय जल्द ही बढ़ती पारिस्थितिक जागरूकता का केंद्र बन गया कि कैसे बेतहाशा वनों की कटाई से वन क्षेत्र में बहुत हद तक नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जुलाई 1970 में अलकनंदा नदी में विनाशकारी बाढ़ आई, जब वह एक भूस्खलन से नदी को अवरुद्ध कर दिया गया और बद्रीनाथ के पास हनुमान चड्डी से लेकर हरिद्वार तक 320 किलोमीटर नीचे तक के क्षेत्र को प्रभावित किया। इसके अलावा कई गांव, पुल और सड़कें बह गईं। इसके बाद भूस्खलन और भूमि धंसने की घटनाएं उस क्षेत्र में आम हो गई, जहां सिविल इंजीनियर परियोजनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही थी। महिलाओं सहित ग्रामीण के कई छोटे समूहों के तहत खुद को संगठित करना शुरू किया। इसकी शुरुआत 1973 में हुई, जिसके अधिकारियों के साथ स्थानीय मुद्दों को उठाया गया और व्यावसायिक कटाई कार्यों के खिलाफ खड़े हुए, जिससे उनकी आजीविका से खतरा हुआ। अक्टूबर 1971 में संघ में कार्यकर्ताओं ने वन विभाग की नीतियों के विरुद्ध में गुप्तेश्वर में एक प्रदर्शन किया। 1972 के अंत में और अधिक रैलियों और मार्च आयोजित किए, लेकिन बहुत कम प्रभाव पड़ा, जब तक कि स्वर प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। ऐसा पहला अवसर तब आया जब वन विभाग ने अपने कृषि उपकरण कार्यशाला के लिए 10 राख के पेड़ों के लिए संघ के वार्षिक अनुरोध को ठुकरा दिया और इसके बजाय दूर इलाहाबाद में खेल के सामान बनाने वाली साइमन कंपनी को टेनिस रैकेट बनाने के लिए 300 पेड़ों का ठेका दिया। मार्च 1973 में लकड़हारे गुप्तेश्वर पहुंचे और कुछ सप्ताह बाद 24 अप्रैल 1973 को मंडल गांव में उनका सामना हुआ, जहां लगभग 100 ग्रामीण DGSS कार्यकर्ता ढोल बजा रहे थे और नारे लगा रहे थे, कि जिससे ठेकेदार और उनके लकड़हारों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। यह आंदोलन का पहला टकराव था। अंततः अनुबंध रद्द कर दिया गया और इसके बजाय संघ को दे दिया गया। अब तक यह मुद्दा राख के पेड़ों को वार्षिक कोटि की खरीद से आगे बढ़ चुका है और इसमें वाणिज्यिक कटाई और सरकार की वन नीति पर बढ़ती चिंता शामिल थी, जिसे ग्रामीण अपने प्रति प्रतिकूल मानते थे। संघ ने अहिंसक विरोध के साधन के रूप में पेड़ों को गल लगाने का चिपको का सहारा लेने का फैसला किया। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसी कंपनी को गुप्तेश्वर ने 80 किलोमीटर
दूर फटा जंगल में और भी राख के पेड़ दिए थे। ये अभी 20 जून 1974 को स्थानीय विरोध के कारण ठेकेदार कुछ दिनों तक चले गतिरोध के बाद पीछे हट गए। इसके बाद फाटा और तरसाली के ग्रामीणों ने एक निगरानी समूह बनाया और दिसंबर तक पेड़ों की निगरानी की। जब कार्यकर्ताओं ने समय पर साइट पर पहुंचकर एक और सफल गतिरोध किया, लकड़हारे 5 राख के पेड़ों को छोड़कर पीछे हट गए। कुछ महीने बाद अंतिम फ्लैश पॉइंट तब शुरू हुआ जब सरकार ने जनवरी 1974 में अलकनंदा नदी के किनारे रेनी गांव के पास 2500 पेड़ों की नीलामी की घोषणा की। भट्ट ने रेनी क्षेत्रों के गांवों की यात्रा की और ग्रामीण को उकसाया, जिन्होंने पेड़ों को गले लगाकर सरकार की कार्रवाई का विरोध करने का फैसला किया। अगले कुछ हफ्तों तक रेनी क्षेत्रों में रैलियों और बैठकें जारी रही। 25 मार्च 1974 को जिस दिन लकड़हारे को पेड़ काटने के वाले थे, रेनी गांव के पुरुष और DGSS कार्यकर्ता चमोली में थे, जिन्हें राज्य सरकार और ठेकेदारों ने एक काल्पनिक मुआवजा भुगतान स्थल पर भेज दिया था, जबकि घर पर मजदूर ट्रक भरकर लकड़ी काटने के काम में लग गए। एक स्थानीय लड़की ने गांव की महिला मंगल दल की प्रमुख गौरा देवी को रैनी गांव पेतक घर था और रैनी ने उन्हें अपना घर गोद ले लिया। मैं सूचित किया, गौरी देवी गांव की 27 महिलाओं को लेकर साइट पर पहुंची और लकड़हारों का सामना किया। जब सारी बातचीत विफल हो गई और लकड़हारे महिलाओं पर चिल्लाने और गाली देने लगे, उन्हें बंदूकों से धमकाया तो महिलाओं ने उन्हें गिरने से रोकने के लिए पेड़ों को गले लगाना शुरू कर दिया। अगले दिन जब पुरुष और नेता वापस लौटे तो आंदोलन की खबर पड़ोसी लाता और हेवल घाटी सहित अन्य गाँव में फैल गई और अधिक लोग इसमें शामिल होकर आखिरकार 4 दिनों के गतिरोध के बाद ठेकेदार चले गए। एक खबर जल्द ही राज्य की राजधानी तक पहुंच गई, जहां राज्य के मुख्यमंत्री हेमवंती नंदन बहुगुणा ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की, जिसने अंततः ग्रामीणों के पक्ष में फैसला सुनाया। यह क्षेत्र और दुनिया भर में पर्यावरण विकास संघर्षों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। संघर्ष जल्दी क्षेत्र के कई हिस्सों में फैल गया और स्थानीय समुदाय और लकड़ी के व्यापारियों के बीच इस तरह के स्वतः स्फूर्त गतिरोध कई स्थानों पर हुए, जिसमें पहाड़ी महिलाओं ने अहिंसक कार्यकर्ताओं के रूप में अपनी नई नई शक्ति का प्रदर्शन किया। जैसे जैसे आंदोलन ने अपने नेताओं के नेतृत्व में आकार लिया, उनकी गतिविधि को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। चिपको इतिहासकारों के अनुसार भट्ट द्वारा मूल रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द गढ़वाली शब्द में आलिंगन के लिए अगला वथा शब्द था, जिसे बाद में हिंदी शब्द चिपको में बदल दिया गया, जिसका अर्थ चिपकना है। अगले 5 वर्षों में आंदोलन क्षेत्र के कई जिलों में फैल गया और 1 दशक के भीतर पूरे उत्तराखंड हिमालय में फैल गया। क्षेत्र के पारिस्थितिक और आर्थिक शोषण के बड़े मुद्दे उठाए गए। ग्रामीण ने मांग की कि बाहरी लोगों को कोई वन दोहन अनुबंध नहीं दिया जाना चाहिए और स्थानीय समुदायों को भूमि, जल और जंगलों जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। वे चाहते थे कि सरकार छोटे उद्योगों को कम लागत वाली सामग्री उपलब्ध कराए और पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ने बिना क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करें। आंदोलन ने भूमिहीन वन श्रमिकों को आर्थिक मुद्दों को उठाया और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मांगी। वैश्विक स्तर पर चिपको ने प्रदर्शन किया कि कैसे पर्यावरण के कारण, जो तब अमीरों की गतिविधि मानी जाती थी, गरीबों के लिए जीवन और मृत्यु का विषय था, जो अक्सर पर्यावरण त्रासदी से तबाह होने वाले पहले व्यक्ति थे। आंदोलन के बाद कई विद्वान के अध्ययन, उन्होंने घोषणा की कि पेड़ों को बचाया जाएगा, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान देनी। चिपको आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी आंदोलन का एक बहुत ही नया पहलू था। क्षेत्र के वन ठेकेदार आमतौर पर पुरुष को शराब की आपूर्ति भी करते थे। महिलाओं ने शराब की आदत के खिलाफ लगातार आंदोलन किया और आंदोलन के एजेंडे को अन्य सामाजिक मुद्दों को कवर करने की व्यापक बनाया। आंदोलन को जब जीत मिली, तब सरकार ने 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 15 साल के लिए हिमालय क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया। जब तक कि हरित क्षेत्र पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाता, प्रमुख चिपको नेताओं में से गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा ने 1983 में 5000 किलोमीटर क्रॉस हिमालय पैदल मार्च किया, जिसमें चिपको संदेश बहुत बड़े क्षेत्रों में फैल गया। धीरे धीरे महिलाओं ने स्थानीय जंगलों की रक्षा के लिए सहकारी समितियों की स्थापना की। चिपको की सबसे खास विशेषता में से एक महिला ग्रामीणों की सामूहिक भागीदारी थी। उत्तराखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में महिलाएं पर्यावरण संरक्षण और वनों की कटाई में सबसे अधिक सीधे प्रभावित,
और इस प्रकार वे मुद्दों को उनमें सबसे आसानी से जुड़ी हुई थी। इस भागीदारी ने चिपको की विचारधारा को कितना प्रभावित किया, उससे कितना प्रभावित हुआ इस पर अकादमिक हलकों में जमकर बहस। इसके बावजूद महिला और पुरुष दोनों कार्यकर्ताओं ने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें गौरा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह राउत, धूम सिंह नेगी, शमशेर सिंह बिष्ट और चिपको कवि घनश्याम रतुड़ी शामिल हैं, जिनके गीत आज भी हिमालय क्षेत्र में लोकप्रिय है। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। टिहरी जिले में चिपको कार्यकर्ताओं ने 1980 के दशक में दून घाटी में चुन्ना पत्थर खनन का विरोध किया, क्योंकि यह आंदोलन देहरादून जिले में फैल गया था, जिससे पहले अपने वन क्षेत्रों की वनों की कटाई देखी, जिससे वनस्पति और जीवों को भारी नुकसान हुआ था। चिपको कार्यकर्ताओं द्वारा वर्षों के आंदोलन के बाद खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद वन रोपण के लिए एक व्यापक सार्वजनिक अभियान चलाया गया, जिसने समय रहते घाटी को बदल दिया। 1980 के दशक में ही बहुगुणा जैसे कार्यकर्ताओं ने भागीरथी नदी पर टिहरी बांध के निर्माण का विरोध किया, जो अगले दो दशकों तक चला, जिसके बाद बीच बचाव आंदोलन की स्थापना हुई, जो आज भी जारी है। समय के साथ, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया, चिपको कार्यकर्ताओं ने एक दूरस्थ नौकरशाही के हाथों ने अपने वन संसाधनों पर नियंत्रण जीतकर एक सामाजिक आर्थिक क्रांति का काम शुरू किया, जिसका संबंध केवल शहरी उन्मुख उत्पादों निर्माणों के लिए वनमुखी को बेचने से है। चिपको आंदोलन हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और बिहार के अन्य वन क्षेत्रों में सामाजिक परिस्थिति आंदोलनों के लिए बेंचमार्क बन गया। सितंबर 1983 में चिपको ने भारत के कर्नाटक राज्य में एक समान अपिक आंदोलन की प्रेरणा किया, जहां पश्चिम घाट और बिंदु में पेड़ों की कटाई रोक दी गई। कुमाऊं क्षेत्र में चिपको ने एक अलग उत्तराखंड राज्य के लिए समान आंदोलन के साथ मिलकर एक अधिक कट्टरपंथी स्वर बनाया, जिसे अंत में 2001 में हासिल किया गया। हाल के वर्षों में इस आंदोलन ने न केवल कई लोगों को जल प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण और वनीकरण और पुनर्चक्रण के व्यवहारिक कार्यक्रमों पर काम करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि विद्वानों को हिमालय और पूरे भारत में पर्यावरण चरण और संरक्षण के तरीकों को मुद्दों का अध्ययन करना शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। 26 मार्च 2004 को रैनी लाता और नदी घाटी के अन्य गांव में चिपको आंदोलन की 30वीं वर्ष घाट मनाई गई, जहां सभी जीवित मूल प्रतिभागी एकजुट हुए। समारोह की शुरुआत गौरा देवी के पितृक घर लाता से हुई, जहां दिवंगत चिपको नेता गोविंद सिंह राउत की पुत्री पुष्पा देवी, हेवल घाटी टिहरी गढ़वाल के चिपको नेता धूम सिंह नेगी और अन्य लोगों ने जश्न मनाया। यहां से एक जुलूस पड़ोसी गांव रीना गया, जहां 26 मार्च 1974 को वास्तविक चिपको कार्रवाई थी। इसमें वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए दुनिया भर के तरीकों की शुरुआत की। हाल ही में वे चिपको आंदोलन की विरासत का पालन करते हुए 2017 में पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के जेसोर रोड में सदियों पुराने पेड़ों पर तेजी से वनों की कटाई, स्थानीय द्वारा 4000 पेड़ों को बचाने के अभियान के रूप में एक विशाल आंदोलन में भी जन्म लिया। 26 मार्च 2018 को चिपको आंदोलन संरक्षण पहल को इसकी 45वीं वर्षगांठ पर मनाया गया। तो ये थी चिपको आंदोलन से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।